देखती आंखों सुनते कानों अम्मार हैदर का सलाम पहुंचे जी। आज हम सर्वे के लिए निकले हुए हैं, मैं आपको इंट्रो करवाता चलता हूं। यहां से NA 127 के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां से PTI के जो कैंडिडेट हैं ज़हीर अब्बास खोकर साहब गढ़ियाल उनका निशान है, वो यहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। अतात तारड़ साहब कर रहे हैं PMLN की तरफ से, और PP की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर जो पार्टी के चेयरमैन भी हैं वो खुद कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं वो वोट अपना किसको कास्ट कर रहे हैं, कौन बन रहा है आने वाला बादशाह। यहाँ से चलते हैं, आएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। वोट अभी कोई सोचा नहीं है। कोई सोचा नहीं। वोट आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। वोट आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, वोट किसको दे रहे हैं? वोट ही नहीं है हमारा। वोट ही नहीं है आपका? हमारा वोट कास्ट ही नहीं होता। क्यों नहीं कास्ट? गिलगित बल्तिस्तान से। अच्छा, आप? सेम सेम। यहाँ की जो सूरत हाल आपको बताता चलूँ कि ये एरिया जो है वो UMT वाली साइड का एरिया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और जो यूथ है वो ज़्यादातर जो है वो इमरान खान के साथ हमने देखा है कि वो तहरीक इंसाफ को ही सपोर्ट करने में ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन यहाँ के लोगों से जानते हैं यहाँ की यूथ जो है वो किसको जो है वो वोट कास्ट करने जा रही है जी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वोट किसको दे रहे हैं? खान भाई को। खान भाई को, तहरीक इंसाफ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट इमरान खान। वजह? वजह बस लीडर है हमारा, जान है हमारी। आपका वोट? ये भी सूरत हाल चलती रहती है। वोट पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान आर्मी को? आर्मी इलेक्शन में नहीं खड़ी तो पार्टी है। आप? इमरान खान को। इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम। वोट किसको कास्ट कर रहे हैं? वोट इमरान खान। सर वजह कोई क्यों कर रही है? वजह बंदा ही एक है, और उससे ऐसा बंदा ही नहीं है। बाकी बंदे नहीं है? नहीं। आपका वोट? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को? हाँ। क्या जमात इस्लामी का पसंद है? जमात इस्लामी में जो है ना होनेस्टी ज़्यादा है, पार्टी में जो है ना डिक्टेटरशिप नहीं है, इलेक्शन सिस्टम के बेस पे आते हैं, उनके लोग ज़्यादा होनेस्ट है एज कम्पेरिजन टू अदर पार्टीज। वोट इमरान खान। एक वजह बस ईमानदार है। आपका मोहतरम वोट? किसी को नहीं। किसी को नहीं। आपका वोट? किसी को भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को। कोई वजह? बस वो ईमानदार बंदे हैं, और हमारा दिल चाहता है कि हम उनको वोट दे दें बस। बाकी ईमानदार नहीं है? बाकी सब ईमानदार है। अच्छा। ये बात नहीं है, ये मसला नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो उसको जो बेगुनाह किया हुआ है, बेगुनाह बंद किया हुआ है, हमारा दिल ये करता है कि हम उनको वोट दें, और जो मुल्क के लिए सोचता है, जो गरीबों के लिए सोचता है, हम उनको वोट देना चाहते हैं। आपका वोट? इमरान खान। आपका? आपका नहीं है। आपका वोट? इमरान खान। आपका? इमरान खान। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। तहरीक इंसाफ का डंका है जी यहाँ पर भी, UMT के अंदर भी, यहाँ के और एक दोस्त ने इधर भी आवाज़ दी है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वोट इमरान खान। वजह? नेक इंसान है और लीडर है हमारा। आपका लीडर? हाँ। लेकिन इमरान खान साहब तो अभी अंदर है ना, तो छूट जाएंगे। कोई नहीं, जब कौन छुड़वाएगा? तक नहीं छूटते। आपका वोट? इमरान खान। इमरान खान, इमरान खान का वोट है जी इनका भी। वोट 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 वैसे भी एक अमानत होता है, और नया पाकिस्तान पे वोट वैसे भी एक अमानत होता है, और अमानत जो है वो आप उसमें ख़यानत नहीं कर सकते, वो आप किसी ऐसे शख्स को ही देते हैं जो जिसके ऊपर आपको पूरा बिलीव होता है, यकीन होता है, जो आपको लीड कर रहा होता है। यहाँ के लोगों से जानते हैं इनका वोट किसकी तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वोट किसको दे रहे हैं? PTI को। PTI को? आप? PTI को जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। भाई ये खाना खा रहे हैं, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट PTI। कोई वजह बता सकते हैं? नहीं, कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं है। बस जी PTI को, तहरीक इंसाफ को, यहाँ की यूथ जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए। अस्सलाम वालेकुम। PTI है। PTI। वोट PTI। क्या PTI में नज़र आ रहा है? PTI अच्छे लोग हैं। कौन? इमरान खान अच्छा है? नहीं। अच्छा इंसान अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। कोई वजह? वजह ये है कि इंसाफ वाला है। पक्की बात है? पक्की बात है। इंसाफ कर लेगा? बहुत इंसाफ कर लेगा। और चोरों का क्या करेगा?
चोरों का जो है ना जेल में जाएगा। जी चोर जेल में डाला है, इमरान खान से तमाम जो है वो तमाम तर उम्मीदें नज़र आ रही हैं। यहाँ से आगे भी निकलते चलते हैं कि आगे क्या सूरत है। इधर भी एक भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका वोट किसको जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। अस्सलाम। वोट इमरान खान का। इमरान खान जी। वजह ये सब चोरों को देख लिया हुआ है, इन चोरों ने मिलके एक ईमानदार शख्स को निकाला है। ये लोग चाहते नहीं कोई ईमानदार है। अब जब देखें जब उसकी हुकूमत टूट गई है तो सारे कैसे अपने अपने मफाद के लिए अलग हो गए और उस बंदे को बंद कर दिया इन्होंने। तो ये हमारे मुल्क का आलमी है कि जब भी कोई अच्छा इंसान आता है तो उसको उड़ा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। डर नहीं लगता उसका नाम लेते हुए? डर क्या लगे, अब वैसे ही मरे पड़े हैं। आज यकीन माने ये छोटी सी दुकान है, 65,000 रुपया बिजली का बिल आ गया। 65,000 रुपया क्या कमाना है इंसान, है क्या खाना है। इतनी महंगाई है, ईरान का बॉर्डर बंद किया है, वहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया है भाई। वहाँ से आप कारोबार करोगे तो वहाँ ये तमाम हैं, ये सारी इमरान खान ठीक कर लेगा? करेगा, उसको टाइम तो देते ही है। इन्होंने मिलके उनको ऐसा भगाया उस बेचारे को। वोट की वोट भी इमरान खान का, और जो होप है उम्मीद है वो भी इमरान खान से ही लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ के लोगों से भी जानते हैं कि वोट किसको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट पीटीआई को। वजह? बस वजह इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम भाई। वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग को। वोट पीटीआई को। पीटीआई को। वोट इंशाल्लाह पीटीआई। वजह? ग्रेट मैन, जिंदाबाद आदमी, जेल में आदमी, जेल में जवान बंदा है। ये तो ओवर है। अच्छा क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद नजर आ रही है? इंशाल्लाह 100% खान विन करेगा पाकिस्तान में। विन करके बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। हम निकालेंगे बाहर खान को। अच्छा बड़ा बया, लेकिन जज्बात जवान है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खान बाहर आएगा। पूरी उम्मीद है। खान हमारी शान है, हमारी आन है। वो पाकिस्तान का लीडर नहीं है, मुसलमान दुनिया का लीडर है। वो एक असीम लीडर है। ऐसे इंसान सालों नहीं हजारों सालों बाद पैदा होते हैं। बाकियों से उम्मीद नहीं है? ज़रा भी उम्मीद नहीं है, सबको आजमा लिया है। आपको है? लेकिन मैंने तो ये सुना है मियाँ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन रहे हैं। फिर कोई गंदी बात मुंह से निकल जाएगी। आप साफ कर, वो 100 बार भी बन जाएंगे ना तो वो चोर ही रहेंगे, 1,000 बार भी बन जाएंगे चोर ही रहेंगे। खान ग्रेट है, खान के लिए जान आदर है। वालेकुम अस्सलाम। वोट यार, वोट तो खान का ही है इंशाल्लाह। कोई वजह जीतेंगे यार, क्योंकि एक बंदा ना जब देखते हैं कि यार एक बंदे पर 200 केसेस लगे और वो फिर भी नहीं भागा, तब वो उसकी लॉयल्टी दिख रही है पूरी कौम के लिए कि वो कितना लॉयल है और कितना। वोट किसको दे रहे हैं सर? इमरान खान। कोई वजह खान सर, आप ये देखें ना, वो ईमानदार बंदा है, इससे ज़्यादा और क्या उसकी बात हो सकती है। वो ईमानदार है इसलिए वोट उसका है। आपका वोट सर? वोट खान का। वोट मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल हैं जी। वोट इमरान खान का भी है, कुछ लोग न्यूट्रल में। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको दे रही? भाई जान किसी को भी नहीं दे रहा। किसी को भी नहीं दे रहे? वोट किसी को नहीं? किसी को भी नहीं? वोट भाई जान किसी को भी नहीं? वजह मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। डेमोक्रेटिक राइट नहीं है आपका कि आप किसी को वोट कास्ट? मेरा किसी ने दिल नहीं करता वोट देने। क्यों नहीं करता? मेरा दिल ही नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। किसको दे रहे हैं यार? अभी सोचा नहीं। आपने वोट पीटीआई का? पीटीआई। आप भाई जान? पीटीआई। मोहतरम वोट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसी लीडर को भी तो कर रहे हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन से लीडर से उम्मीद नजर आ रही है पाकिस्तान ठीक कर देगा? किसी से भी नहीं नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट किसको दे रहे हैं? वोट नून लीग को। कोई एक वजह? बस वैसे ही उन्होंने काम बड़े किए हैं। इन्होंने काम बड़े करवाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट इस गैर आईनी इलेक्शन को हम मानते ही नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, कहाँ हो रहे हैं इलेक्शन? पीटीआई के इंतखाबी निशान जो बल्ला है वो नहीं मिल रहा। ये इस तरह के जो करवा रहे हैं इलेक्शन, ये और जो है ना माशी अदम इस्तेकाम आना, इससे इस्तेकाम नहीं आ सकता। क्या लग रहा है कौन करवा रहा है ये सारा काम? आपको भी पता है किधर बोलना जानते हैं, सिस्टम को समझना जानते हैं, बोलना उम्मीद तो नजर आ रही है। सुनने वाला भी तो होना। अपने मुल्क में हम गैरों की तरह रह रहे हैं, कहाँ का इंसाफ है? आप इधर देख लें, कश्मीर में देख लें, फ़लस्तीन में देख लें, जो हमारे साथ हो रहा है वही फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, वही कश्मीर के साथ हो रहा है। आपको लगता है किसी एंगल से हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं? आपको लगता नहीं है कि 8 फरवरी को हम चेंज ले आएंगे? यूथ जो है तो 90 दिन में क्यों नहीं ला सके? पंजाब असम्बली के 180 दिन से ऊपर हो गए हैं, क्या मसला बना है कि क्यों नहीं इलेक्शन हो सके?
जब आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो क्यों नहीं हुए पंजाब असम्बली में, केपी असम्बली में? तो मैं आपका साथ दूंगा ना कि आइन शिकनी हुई है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो किन पे लगना चाहिए? उन पे पहले आर्टिकल 6 लगाएं, उसके बाद इलेक्शन की तैयारी करें। वैसे 8 फरवरी को आ रहे हैं आप, वोट तो दें। मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही कि 8 फरवरी को इलेक्शन नजर आ रहे हैं, ये सब टोपी ड्रामे। एग्जाम्पल ले लें, अगर आ जाते हैं तो पीटीआई के उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह। आप वोट पीटीआई को दे रहे हैं? जी, तहरीक इंसाफ को वोट जा रहा है। बात जो है वो बड़ी कमिटमेंट की है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। वोट इमरान खान का। इमरान खान। वोट खान साहब। खान। आप पीटीआई। पीटीआई जी, दुकान के अंदर सारी पीटीआई बैठी है। वोट पूछ लिया यार, पीटीआई। अच्छा, पीटीआई। पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वोट पीटीआई। पीटीआई। वोट पीटीआई। पीटीआई डेफिनेटली पीटीआई। वोट पीटीआई। पीटीआई। वोट पीटीआई। वजह जिंदाबाद। इमरान खान अच्छा बंदा है, कोई ऐसे बंदा आया नहीं। वो इलेक्शन कर रहे हैं, वो जो ऐसे ऐसे जद्दार सारी दुनिया में नहीं जो इमरान खान है, वैसे ऐसे जद्दार। ये पॉइंट है। वोट इमरान खान। वजह वो अच्छा लीडर है। पीटीआई लेकिन इन्होंने इन्होंने आने नहीं देना, सारे तो गुंडे जमा हुए हैं। किन्हां ने नहीं आने? तुहाडे सामने ही है, गंजे हो गए। दूसरी पार्टियां किसी ने भी नहीं अगे आन देना इन्होंने। वोट तो तुसी देना है। वोट दे अगर पीटीआई नहीं। आपका वोट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। वजह? बहुत सहूलत करेगा। अच्छा जी, आपका वोट भाई जान? अल्लाह वाला। वोट किसका? किसी को नहीं देना। किसकी भी नहीं? वोट किसी का भी नहीं। कुछ लोग पीटीआई, तहरीक इंसाफ, एक और भाई रहते हैं आगे, माजरा जनाब। वोट पीटीआई का। वजह? बस वो लीडर है। लीडर है जी। वोट पीटीआई का, क्यों वजह पूछी जाए तो वो लीडर है यहाँ के नौजवान। अस्सलाम वालेकुम। वोट वोट पीटीआई। वोट पीटीआई। वोट पीपल्स पार्टी। वजह? वजह बस सरदारी पसंद है। सरदारी पसंद है? सरदारी। भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो आ जाएं। किंग तो है ना, सरदारी किंग है ना। सरदारी ने चलाना है, बिलावल ने क्या करना है? चलाना तो सरदारी। आ तो बिलावल भी नहीं। नहीं, बिलावल आ जाए लेकिन चलाना तो सरदारी नहीं है ना भाईजान। अभी तो हम यूथ की बात कर रहे हैं। हां, यूथ भाईजान। अभी तो बिलावल चेयरमैन। जी जी, तो ठीक है, हमारे चाचू खड़े हो रहे हैं। आपको मुनासिब लग रहा है? मोहतरमा, वोट किसको किसको दे रही है? इमरान खान को। वजह? पसंद है मुझे। वोट सर। वोट अस्सलाम वालेकुम। वोट अस्सलाम। नून लीग। नून लीग। वोट पीटीआई। वजह? रवि। रवि। आपका वोट मोहतरमा? वोट किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। वोट इनका किसी को भी नहीं है। इस दुकान से पता करते हैं इनका वोट किसको है। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसी को सर उम्मीद नज़र नहीं आ रही। क्योंकि क्यों नहीं आ रही कि अगर वोट दे भी दिया गया तो ज़ाया किया जाएगा, देखते हैं बाकी लोगों से क्या उम्मीद नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वोट इनका किसी का भी नहीं है। वोट नॉन लीग का। वजह? शेर जिंदाबाद। शेर जिंदाबाद है जी। शेर एक बारी फिर कब उम्मीद लेकर आ रहे हैं? वोट शेर। वजह? शेर। शेर। वजह? वोट शेर का। शेर का। वोट इमरान खान। वजह? वजह सबके सामने ही है, वजह की बताने की। आपको क्या नज़र आती है कि ये वजह की वजह से मैं वोट दे रहा हूँ? यार हर वजह से उसी को वोट देना है। हर वजह? एक वजह बता दो कि उसको वोट ना दिया जाए। नहीं, नहीं आपका राइट है ना, आप वोट आप नहीं, हमारा राइट है, तभी तो हम उसको वोट देंगे। वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट शेर। वोट पीटीआई। ये शेर का कह रहा है? ये शेर का बेवकूफ़ है। बेवकूफ़? हाँ ना। ये आप कह रहे बेवकूफ़ है? नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ है। अच्छा, हाँ। ये पीटीआई को देना है इसलिए? हाँ जी। स्ट्रीट किस पे? यहाँ भी नौजवान खड़े हैं, इनसे जानते हैं। मोहतरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट किसको दे रहा है मेरे भाई? पीटीआई। पीटीआई। वोट पीटीआई। कोई सर एक वजह बता सकते हैं? यार हम जो यूथ हैं ना, हम सारे इमरान खान के सपोर्टर भी यूथ हैं, क्योंकि देखें मुझे जो उसमें, वैसे तो अब वो जेल में उसने टाइम गुजार रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे वो जिस तरह लोग उसको कहते हैं ना, वो दयानतदार है। दिल से एक बात बताएं, वोट की कदर होगी इस दफ़ा? जी इंशाल्लाह। वोट की इज्जत है। वोट की इज्जत है। रिक्शे में एक भाई खड़े स्पेशल, उन्होंने मुझे देखा है, मैंने उनको खड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट जरा रिक्शा ला के देगा, उन्होंने देंगे वोट। रिक्शा कितने तो डिवाइड कर दे, जो नजरिया देगा उन्होंने वोट देना चाहिए, जो आने वाले वक्त ठीक करे। भाजी सानू कुछ भी नहीं मिलता, जो सानू रिक्शा लैके देगा असं वोट उन्हें देना है। जिन्हें रिक्शा नवा लैके देना है? अल्लाह अल्लाह तला ने दिता हो, अल्लाह तला ने दिता अपनी मेहनत की कमाई का, वोट भी तो साड़ी मेहनत ही होंगे।
ਵੋਟ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਮਾਨਤ ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੋਟ ਜੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ ਵੋਟ ਉਸਕਾ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਉਹ ਵਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋਟ ਸਰ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਚੋਰ ਕੇ ਛੋੜੋ ਉਹ ਗੜੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਵੋਟ नून लीग नहीं आप तो नाना कहीं से वोट मुझे नहीं पता वोट पीटीआई पीटीआई वोट पीटीआई 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 ओ भाई गारन चोर पार्टी नहीं पीटीआई चोर पार्टी नहीं चाहिए चोर पार्टी नहीं चाहिए वोट यहाँ के अंदर भी चलते हैं उनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वोट किसको दे रहे हैं नून लीग वोट पीटीआई भाई जान वोट इमरान खान इमरान खान वोट किसको दे रहे वोट कुर्सी को कुर्सी वोट कुर्सी कुर्सी पे कौन है कुर्सी पे जो है ना मिली मुस्लिम लीग अच्छा मिली मुस्लिम लीग वोट सरदार अख्तर जा मेंगल को बलूचिस्तान मेंगल को वोट मैं अभी बना भी नहीं स्पोर्ट नून लीग दी नून लीग दी स्पोर्ट वोट अभी बना नहीं है स्पोर्ट नून लीग की है अस्सलाम वालेकुम वोट ओनली पीटीआई भाई ऑब्वियस व्हाई सर है ही पीटीआई है तो अब ये तो पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं है एक नजरिया होता है एक एक चीज कलेक्ट कर रही होती है कि यार ये मुझे इंटरेक्ट करती है अभी अभी भी पहचान ना हो मैं क्या बोलूं यहाँ पे शऊर आ गया वोट ने इमरान खान ने शऊर दिया इसलिए इमरान खान का यहाँ के लोगों से भी जानते हैं अस्सलाम वालेकुम वोट शेर शेर वजह बस वोट इमरान खान वोट इमरान खान वोट इमरान खान इमरान खान वोट वोट देना ही नहीं क्यों मेरी मर्जी डेमोक्रेटिक राइट यूट्यूब पे आऊँगा आएंगे आप फेमस भी हो जाऊँगा हो जाएंगे नो हेट वाला सीन है अस्सलाम वालेकुम वोट वोट इमरान खान वजह वजह के करप्ट नहीं है वो करप्ट नहीं वजह वजह जाबलू सारे ये सारे इमरान खान का कह रहे हैं आप पीएमएलएन के वोट ना 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 किसी का भी नहीं वोट किसी को नहीं किसी को नहीं वोट सोच के बताएंगे सोच के बताएंगे वक्त बदलता किस तरह है हालात किस तरह बदलते हैं नज़रिया बिल्ड होता है आइडियालॉजी पे लोग जो है वो कायम दायम होते हैं इसीलिए आइडियालॉजी है जो वो जब तक आप उसको नज़रिया बिल्ड नहीं करेंगे नौजवान जो है वो कभी भी नई एक सोच लेकर नहीं निकलेगा हमेशा आइडियालॉजी के अंदर नई सोच निकलती है इस तरफ के लोगों से जानते हैं वो किसको वोट कास्ट करने जा रहे हैं यहाँ के नौजवान भी मौजूद हैं यूथ यूथ तकरीबन तहरीक इंसाफ की तरफ जितना मैंने अभी तक सर्वे किया है तहरीक इंसाफ का चल रहा है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वोट किसको दे रहे हैं पीटीआई वजह हाँ वजह ये है कि बाकी जो नून लीग और पीपल पार्टी है उन्होंने हमने इतने 30-35 साल उन्होंने हुकूमत की है चांसेस दिए हैं अच्छा वोट किसको दे रहे हैं वालेकुम अस्सलाम इमरान खान इमरान खान को वोट इमरान खान वोट इमरान खान को वोट अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वोट नून लीग वोट नून लीग एक वजह वजह कोई भी नहीं है वजह क्या नहीं कोई वजह नहीं है वोट इमरान वजह वजह कोई नहीं है इमरान खान का अस्सलाम वालेकुम वोट नवाज शरीफ वोट इमरान खान वोट नवाज शरीफ वाह वोट नवाज शरीफ वोट इमरान खान अस्सलाम वालेकुम वोट किसको दे आपको मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा होता वरना मैं जरूर लेता आपसे वोट किसी को भी नहीं किसी को भी नहीं वोट इमरान खान सोच लिया क्यों बस बस मोहब्बत है अस्सलाम वालेकुम वोट किसी को भी नहीं किसी को भी नहीं वोट इमरान खान बन गया वोट वोट अस्सलाम वालेकुम माजरत पहले सबसे डिस्टर्ब किया वोट बता दें बस वोट पीटीआई पीटीआई वोट किसी को नहीं वोट किसी को नहीं पीटीआई वोट बने नहीं वोट पीटीआई पीटीआई आपको हो गया हाँ वोट नवाज शरीफ वो भाई बैठे हैं दूर से इशारा कर रहे हैं कुछ दबंग बोलने वाले हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वोट खान साहब का अच्छा खान जान भी हाजिर है उसके लिए वो आलम इस्लाम का बेस्ट लीडर है वो हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए वो जेल में बैठा हुआ है तो अगर बाहर ना निकले तो फिर क्या करेंगे या उसने अपने नुमाइंदे खड़े किए हुए हैं हमें बेस्ट गौर खान पर जो चेयरमैन पीटीआई पे उसके पे यकीन है उसने अपना बेस्ट एक आम कारकुन उसने बनाया चेयरमैन वो मरूसियत नहीं लेकर आया तो क्या लग रहा है कि वक्त बदल पाएगा इमरान खान इंशाल्लाह इंशाल्लाह पार्टी भी इंशाल्लाह आपका वोट शेर एक बारी फिर
ये प्योर पटवारी है। शेर एक बारी फिर। दोस्त है। तो आपका नजरिया से नहीं, इनसे नहीं हो रहा। वजह पटवारी है ना ये, सिर्फ शेर। अच्छा एक वजह बताएं, शेर की। शेर बा शेर है, जान भी याद रहे। मियां से इश्क है। मियां से इश्क है। मरियम से नहीं। शहबाज नहीं, और कोई सिर्फ नवाज और हमजा शहबाज। नवाज सिर्फ। वजह से आपका बल्ला ये चल क्या रहा है? ये पटवारी और हम दोनों पीटीआई के बब्बर शेर, वो भी हमारा शेर। आप नजर आती हैं ये पटवारी? हाँ बस ये पटवारी है साहब, जा रहा है वोट बहुत से लोगों का यहाँ पर, इमरान खान का भी था। और यहाँ से आगे निकलते हैं, यहाँ और मजीद लोगों से जानते हैं कि वो किनको जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट किसको कास्ट करना? इंशाल्लाह इमरान खान को। वजह वो हमारा लीडर है। कितना लीडर? बहुत बड़ा लीडर है हमारा। पक्की बात है। इंटरनेशनल लेवल पे? नेशनल? वो तो इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, हाँ अलहमद। लेकिन आजकल तो इमरान खान साहब अंदर है। इमरान खान साहब अंदर है, उनको लेकर आना है ना, उनको जिता के बाहर लेकर आना है। मतलब कि वो नेल्सन मंडेला की तरह? जी नेल्सन मंडेला की तरह। बहुत शुक्रिया जी। नेल्सन मंडेला की तरह इमरान खान को जितवाना भी है और इमरान खान को बाहर भी लेकर आना है। मज़ीद लोगों से यहाँ जानते हैं कि वो किसको जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक राइट हर शख्स का जो है वो राइट होता है, तो लोग यहाँ से मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो किनको जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। यूथ है इस मुल्क का सरमाया है, आने वाले दिनों में आप लोगों का एक नाम होना चाहिए। उम्मीद किससे नज़र आ रही है कि यार ये शख्स है सिस्टम चेंज कर देगा, एक डेमोक्रेटिक राइट्स जो दुनिया को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे? सर उम्मीद सिर्फ एक ही बंदे से है जो अभी जेल में है, क्योंकि उसी ने हमें इतना शऊर दिया है। हमें पता ही नहीं था कि 70 सालों में हमारे साथ हुआ गया है कि, तो आपके सामने ही है सब कुछ कि जो बंदा शऊर दे रहा है, और उनको तो राइट्स भी नहीं मिल रहे पीटीआई के, उनसे सिंबल भी ले लिया है, और इवन के ना उनको कैंपेन करने की इजाज़त है। अभी भी बैनर्स मैंने देखे हैं जो कॉलेज रोड पे लगे हुए थे, वो भी उतार दिए गए हैं। तो ये उनको ना उनको राइट्स दिए जा रहे हैं, और जो मेरे ख्याल से जो आगे हमें जो नज़र आ रहा है, अगर इमरान खान बाहर आया तो वो हम एक इंडिपेंडेंट कौम होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो इंडिपेंडेंट होगी। एक डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, सबसे ह्यूज फैन फॉलोइंग, यूथ से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड निशान छीन लिए जाते हैं और बिल्कुल इलेक्शन से आउट कर दिया गया। निशान छीन लिया गया, अभी भी अगर बिल्कुल फ्री इलेक्शन हो अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है। अगर अभी बिल्कुल फ्री इलेक्शन हो, कोई भी किसी पार्टी के मतलब ईजी ना हो, इसीलिए अभी भी पीटीआई जी से। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। आपका वोट सोचेंगे अभी सोचेंगे। सारे आईडी कार्ड बन नहीं गया? बन गया है सारे। तो यूथ अभी भी सोचेगी, लेकिन उम्मीद किसी से नज़र नहीं ना आती। अभी भी सारे चोर है, हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है, लेकिन जब आवाम का फ़ायदा देखेंगे तब इससे अच्छा। ये बताएं किससे उम्मीद नज़र आएगी? अभी तक तो किसी से नहीं आ रही। अल्लाह खैर करेगा। अभी तक उम्मीद किसी से नज़र नहीं आ रही, आने वाले वक्त में किससे उम्मीद नज़र आती है ये देखते हैं। यहाँ पर भी नौजवान मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? यार पीएमएलएन को। पीएमएलएन को, कोई एक वजह? यार उन्होंने काम काफ़ी किए हैं। काम काफ़ी किए हैं। आप किसको वोट दे रहे हैं? कौन सा काम किया बताओ? आप देख लें कितने काम किए। ये मेरा दोस्त। मेरी बात सुने। आप पूछ लें ये मोटरवे किसने बनाई है, ये अंडरपास किसने बनाया है, ये ओरिन ट्रेन किसने बनाई है, मोटरवे किसने बनाई है, अंडरपास मिस्त्री, पाकिस्तान का अटोमिक पावर किसने बनाया है, सारे काम कितने नवाज शरीफ ने, तो वोट भी उसी का होगा ना यार। अगर पाकिस्तान इतना ज़्यादा ये कह रहे हैं कि तरक्की कर चुके, तो फिर भी हम कर्जों में क्यों है, इस चीज़ का जवाब दे वो उसका। अब वो नवाज शरीफ तो नहीं रहता। आपने पूछा नवाज शरीफ काम कौन से किया, मैंने वो बता दिया है। आप मेरी बात सुने, जो ओडिन ट्रेन बनाई या मेट्रो बनाई नवाज शरीफ बनाई, तो ये कह रहे थे जंगला बस है, फिर उन्होंने पेशावर बीआरटी के नाम पर स्कैम किया, वहाँ पर बना ली, तो वो उनको फॉलो करते हैं भाई। ठीक है, आर्गुमेंट एक ये है कि इनके नवाज शरीफ के हुकूमत के अंदर इतने स्कैंडल निकले, इमरान खान का सिर्फ एक स्कैंडल निकला रिंग रोड का, उसके अलावा कोई बता दें? नहीं मेरी बात सुने, खान साहब के भी बड़े हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस क्या है उनके, और अच्छा उनका तोशाखाना का तो छोड़े चले, वो तो पाकिस्तान की बात है, उनके तो वैसे तोशाखाना में तो आपकी गाड़ियाँ निकली हैं। मेरी बात तो सुने ना, उनकी फॉरेन फंडिंग फॉरेन फंडिंग केसेस पे आपका वोट
इमरान खान। वजह? बस मेरी मर्जी, मेरा वोट मेरी मर्जी। वोट मेरी मर्जी। आपका? वो से बात पीएमएलएन का, वोट पीएमएलएन का। जी इधर नौजवान कह रहे हैं कि हमारा पीएमएलएन का, यहाँ के लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को वोट? इमरान खान। इमरान खान है जी यहाँ पर भी, वोट इमरान खान का ही चल रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पर और भी लोगों से जानते हैं कि वो किसको अपना वोट कास्ट करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दे रहे हैं? किसी को भी नहीं। वोट इधर तो किसी का भी नहीं, यहाँ अंदर बैठे हैं नौजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, वोट? वोट तो किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं। आपका वोट? असफंद यार वली को। असफंद यार वली को, असफंद यार वली को वोट जा रहा है जी यहाँ से भी। क्या हालातों वाकयात हैं यहाँ के, तमाम लोगों से आगाह करते रहेंगे आपको, सिस्टम देखते हैं क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वोट? इमरान खान। इमरान खान। वोट? कोई नहीं। वोट? 804। 804। इमरान खान। भैया का नाम? भैया का नाम। आपका 804 का? बस लावे खान साहब से। खान साहब से लावे। कोई एक नसीहती काम बता सकते हैं? उसने शऊर दिया आवाम को, उसने बोलना सिखाया आवाम को। आप? यही चीज़ है भाई, तहजीब साहब से बड़ी जो इलम उसने दिया ना कि किस तरह काम करती हैं चीज़ें, क्या ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप? इमरान खान तो जान है, दिलों की धड़कन है, इस वजह से। वोट वैसे कास्ट क्यों नहीं करना चाहते? एतमाद नहीं है? आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का, ना इंटरेस्ट है इसमें। यहाँ पर और भी नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वोट? वालेकुम अस्सलाम। क्या वोट किसको दे? पीएमएलएन। वोट? पीटीआई। पीटीआई। आप? अभी कुछ नहीं पता, अभी कोई सोचा नहीं है। आप मजीद लोगों से जानते हैं? वोट किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसी को भी? किसी को भी नहीं। वोट? इमरान खान को। ये कह रहे हैं इमरान? इमरान खान को भी नहीं दे। अच्छा आपका वोट? पीटीआई। नहीं इनके एतबार नहीं, नहीं इनको वैसे ही एतबार नहीं होगा, उसने बाहर चल जाना ना। इमरान खान पे नहीं, वो कह रहे हैं मैंने कास्ट नहीं करना। हाँ क्योंकि उसने बाहर चल जाना है। लेकिन कास्ट तो करना चाहिए ना, बाहर वाले यहाँ कास्ट करते हैं। हमारी मर्जी तो आना नहीं ना किसी ने। किसकी मर्जी चल रही है? आप आए हैं पॉइंट। यही तो मैं नहीं कहना चाह रहा था। चल किसकी रही है पता नहीं, अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है, हम काफ़ी सर्वेज कर चुके हैं अब तक, लेकिन ये जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है ना, ये बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन आ रहा है। 80% यूथ, क्योंकि मैं भी यूसीपी का स्टूडेंट हूँ, 80% यूथ जो है वो इस वक्त कह रही है कि भाई वोट कास्ट करना है और लाजमी करना है। तो मेरा ख्याल है कि करना तो चाहिए यार कर देंगे। थैंक यू। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को। यहाँ पर एक दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को सर। सर वजह? बस इमरान खान को, हमारी दिल लगी इमरान खान से। दिल लगी इमरान खान से, दिल लगी होगी ये वोट, इसलिए इमरान खान को। वोट हम किसी को नहीं दे रहे भाई। अच्छा ऐसे ना करें, वोट दें किसी ना किसी को। आपका डेमोक्रेटिक? मौलाना फजलुर रहमान को दे दे। मौलाना फजलुर रहमान को, माशाल्लाह पहला वोट मिला मौलाना फजलुर रहमान का। ओ भाई रह गए, आ जाएं जी। वोट इमरान खान को इंशाल्लाह। की वजह? वजह है कि वो मुस्तकबिल आगे बहुत अच्छा लग रहा है कि आवन वाला ही है। ओ दे अंदर है जेल च, इंशाल्लाह बाहर निकलेगा, वहां बाहर कढ़ेगी ओनू। पक्की गल है? पक्की गल है। चलो जी वोट, चाहे खान साहब अंदर हैं कोई हमें इशू नहीं है, वोट हम कास्ट करेंगे। मोहतरम वोट किसको दे रहे हैं? किसको? आप भी वोट इमरान खान को दे रहे हैं? वाह, आप अपने आप को? नहीं वो तो आपका राइट है, लेकिन वोट भी तो किसी को दे रही होंगी आप। इमरान खान को। मैम कोई वजह बता सकती हैं? वजह भी नहीं बता रही। अच्छा वजह नहीं बता रही। वोट जो है यहाँ पर भी नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट दस दे। इमरान खान। इमरान खान। वोट इमरान खान। वोट इमरान खान। वजह? पठान है, मैं पठान हूँ। अच्छा पठान है, मैं भी पठान हूँ, वोट इसलिए इमरान खान का है। मजीद लोगों से यहाँ पर और भी बात करते हैं कि उनका वोट किसका है, वो क्यों किसको वोट कास्ट करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट दे रहे हैं? पीटीआई। पीटीआई को दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं आप? जी। किसको? किसको देना चाहिए? आपका राय। अच्छा वो तो सारी बात है, आपको पता पीटीआई को दे। आपका? यार ये हमारा मैटर है। वोट इंशाल्लाह पीटीआई का। पीटीआई का। कोई एक वजह बता सकते हैं? वजह सर बस वोट खान साहब का। खान इज माई लास्ट चॉइस। लास्ट चॉइस? आफ्टर खान कोई चॉइस नहीं? कोई चॉइस नहीं। ओके 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 ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट? हाँ वोट मैंने पहले भी बताया आपको, अभी बता दिया। वोट जी यहाँ पर जितना हमने सर्वे किया है, यहाँ पर जितने देखा है, यूथ की जो एक बहुत बड़ी तादाद है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। एक तो हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी और एमल वली साहब के, क्योंकि कुछ स्टूडेंट उस इलाके से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी में हमने यहाँ पर चीज़ें देखी हैं वो तहरीक इंसाफ से रिलेटेड थी। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का इजाज़त दीजिए। मार्क अल्लाह हाफिज़।